हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माय चैनल मैं हूं आपका दोस्त महेश कुमार फ्रेंड्स आई स्टार्ट करते हैं दिस टॉपिक टाइप्स ऑफ वेपर कंप्रेशन साइकिल सो so, वेपर कंप्रेशन साइकिल के कितने टाइप्स हैं कितने प्रकार से हम उसको यूज कर सकते हैं हम देखेंगे फ्रेंड्स सो so, जो भी हम डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स दिज ऑल आर वेपर वे, सॉरी थ्योरेटिकल वेपर कंप्रेशन साइकिल्स सो so, हम बात करेंगे थ्योरेटिकल की थ्योरेटिकल वेपर कंप्रेशन साइकिल केस क्या है फर्स्ट केस है ड्राई सेचूरेटेड वेपर आफ्टर कंप्रेशन देन हम देखेंगे फ्रेंड्स वेट वेपर आफ्टर कंप्रेशन देन हम देखेंगे सुपर हीटेड वेपर आफ्टर कंप्रेशन फोर्थ वन इज सुपर हीटेड वेपर बिफोर कंप्रेशन एंड द लास्ट थ्योरेटिकल वेपर साइकिल विथ अंडर कूलिंग जब अंडर कूलिंग करेंगे तो क्या इफेक्ट आएगा सुपर हीटेड करेंगे तो क्या इफेक्ट आएगा सुपर हीटेड वेपर बिफोर कंप्रेशन करेंगे एंड आफ्टर कंप्रेशन करेंगे तो दोनों केस में क्या हम जो है आ, क्या हमें डिफ्रेंसेस मिलेंगे एंड जब हम वेट कंप्रेशन करेंगे एंड जब हम ड्राई कंप्रेशन करेंगे फ्रेंड्स तो क्या क्या चेंजेज होंगे और क्या इफेक्ट आएगा हम ईच एंड एवरी पॉइंट्स को डिटेल में देखेंगे फ्रेंड्स बट हम एक एक साइकिल को स्टार्ट करने से पहले फ्रेंड्स हम डिस्कस करेंगे फंडामेंटल्स ऑफ एंथैल्पी हम कैसे फाइंड करेंगे एट डिफरेंट पॉइंट्स ओके एंथैल्पी एंड एंट्रोपी इन दोनों का बहुत क्रिटिकल रोल है टू फाइंड फाइंड करने के लिए रेफ्रिजरेशन इफेक्ट क्या होता है इसमें वर्क इनपुट कितना होगा सीओपी कैसे होगा सीओपी यह सब जो हमारे न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से जो वैल्यू है इसको फाइंड करने के लिए हमें पहले समझना होगा कि एंथल्पी हम कैसे फ़ाइंड करेंगे एट डिफरेंट पॉइंट एंड एंट्रोपी कैसे फाइंड करेंगे विद द हेल्प ऑफ एंट्रोपी एंथल्पी की वैल्यू जो है हम डिफरेंट पॉइंट्स पर फाइंड करेंगे जिससे हमारा प्रॉब्लम ईजिली सॉल्व हो जाएगा ओके okay फ्रेंड्स तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे हम इनको फाइंड करेंगे सो फ्रेंड्स मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए कमेंट कीजिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जिससे उनके भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके थैंक यू फ्रेंड्स